हेलो स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का पेपर आ चुका है। तो चलिए इसके प्रश्नों पर जल्दी से चलते हैं। तो इसमें आपको खंड क में बहुविकल्पी प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि 20 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति हुई, इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1787 में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 5 मई 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी इंग्लैंड। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, रोलाइट एक्ट कब पारित हुआ? तो रोलाइट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था, ऑप्शन बी सही है। करो या मरो नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने, ऑप्शन बी सही है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ऑटो वान बिस्मार्क की, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? महात्मा गांधी अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को वापस आए थे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है, लेटराइट मिट्टी का रंग होता है? तो लेटराइट मिट्टी का रंग लाल होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है? पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन ऑप्शन बी हिमनद है। क्वेश्चन नंबर 9, देश के किस राज्य में जल की कमी रहती है? तो देश के ऑप्शन ए राजस्थान राज्य में जल की कमी रहती है। सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो सलाल बांध चिनाब नदी पर बना है। निम्न में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? तो कपास जो है एक रबी फसल नहीं है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्रीलंका में निम्न में से कौन सा धर्म है? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, आप लोग जानते हैं, ऑप्शन बी सही है। चलते हैं अगले। 16वां प्रश्न है, भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है? तो इसका सही उत्तर है 21.9% अर्थात 22%, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? 17वां प्रश्न है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। भारत में जीविका का मुख्य स्रोत है? भारत में जीविका का मुख्य स्रोत कृषि है, ऑप्शन बी सही है। कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक रोजगार देता है? तो तृतीय क्षेत्र होता है, सबसे अधिक रोजगार देता है, ऑप्शन सी सही है। निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र में कौन नहीं है? तो टिस्को जो है सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है, ऑप्शन डी सही है। अब खंड ख में वर्णात्मक प्रश्न दिए हुए हैं, जो कि आपके प्रत्येक प्रश्न 4-4 अंक के हैं, इसे आप लोग देख लीजिए। इसमें आपको पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए अथवा करके दिया हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? दूसरा प्रश्न है, भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय लिख समझाइए अथवा चिपको आंदोलन क्या है? भारत में क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा अथवा सामाजिक विभाजन से क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? इसमें भी आपको अथवा करके दिया हुआ है, तो अथवा है अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। अब आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं, जिसमें से 5वां प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए अथवा 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। क्वेश्चन नंबर 6, चनों से होने वाले लाभों का वर्णन करो अथवा भारतीय मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखो। क्वेश्चन नंबर 7, संघवाद क्या है? भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए अथवा जातिवाद क्या है? भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है? क्वेश्चन नंबर 8, संगठित तथा असंगठित कार्य क्षेत्र में अंतर को स्पष्ट करो अथवा विकसित देशों की किन्नी 3 विशेषताओं का वर्णन करो। अब मानचित्र कार्य है आपको दिया हुआ है। 9वां प्रश्न, क भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। इसमें आपको अ है कि वह स्थान जहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ब वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, स वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, द वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यह वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है। सारे आप लोग जानते हैं, सारे आसान हैं, कुछ लिखे हुए भी हैं सामने, देख लीजिए। भारत के दिए गए मानचित्र में निम्न को दर्शाइए, ख वाला प्रश्न है, इसको देख लीजिए अच्छे से और तैयार कर लीजिए। अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वे लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।